हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपके अपने चैनल जी एस विद अश्विनी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट कराया जा चुका है। सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो क्योंकि किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उस शिफ्ट के बच्चे जो हैं अपने पैसेज को रिटाइप नहीं कर पा रहे थे, तो उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और वो दोबारा रिशेड्यूल्ड होगा। किसी जब डेट आएगी तो वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं और क्या समस्या हुई। देखिए, जिन्होंने मेरी ये सारी वीडियोस देखी थी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम जो है जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मार्च में एक जीडीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था मेरे जोन में, जिसमें मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था और जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया था वही बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। और एकदम वैसा ही एग्ज़ाम हुआ, ना वहाँ ऑटो स्क्रॉल मिला, ना वहाँ वर्ड हाईलाइटेड मिले, ना वहाँ माउस बंद था कि माउस काम ना कर रहा हो, और ना ही वहाँ पे बैकस्पेस काम कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें सेम टू सेम थी। पैराग्राफ में जो वो फॉन्ट का साइज़ था सेम टू सेम था, जो मैंने कहा था कि 12 होगा वर्ड के हिसाब से, वो 12 ही था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। लेकिन अब जो उसमें समस्याएं आई हैं उसकी बात करते हैं, उनका क्या समाधान है। देखिए, समस्या आई है सेकंड शिफ्ट के बच्चों के साथ। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि मेरा भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मुझे भी डाउट था कि वहाँ पे जाके पहले मैं स्पीड में टाइप करूं और उसके बाद मुझे रीटाइप करने के लिए ना मिले तो फिर मेरा तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि मैं अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करूं। तो वहाँ पे बहुत सारा डाउट था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि हमें रीटाइप करने के लिए मिला, अगर वहाँ रीटाइप करने के लिए नहीं मिलता जो कि इंस्ट्रक्शन में कहा गया था, तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाता। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में टाइप किया फिर भी, और मैंने 2230 की स्ट्रोक्स टाइप कर दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ है, कुछ बच्चों ने इस चक्कर में रीटाइप नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि रीटाइप नहीं होगा। उन्होंने इनविजिलेटर से पूछा, इनविजिलेटर भी जो थे उन्होंने बताया कि अगर आप रीटाइप करोगे तो आपका सारा मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने रीटाइप नहीं किया और वो तीन तीन चार चार मिनट सिर्फ बैठे रह गए। तो उन बच्चों के साथ गलत हुआ है। लेकिन आरआरबी इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लेने वाली है। क्यों नहीं लेने वाली है, उसका कारण है क्योंकि आरआरबी ने जो अपने इंस्ट्रक्शन में कहा था अगर वो वैसा नहीं करती तो उन बच्चों की बात सुनी जाती है। अब इनविजिलेटर ने क्या कहा, आपने उससे क्या पूछा, उसके ऊपर वो कोई भी एक्शन नहीं लेगी, ये बात फिक्स है। हाँ, आप थोड़ी सी बात अपनी सुनवाने चाहें तो सुनवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरआरबी इस बार को सुनेगी। और ना ही ऐसा कभी हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो कैंसिल हुआ हो इस वजह से कि कोई कीबोर्ड हार्ड चल रहा था। देखिए, कीबोर्ड पूरे इंडिया के हार्ड चलते हैं। टाइपिंग सेंटर में अगर आप जाएंगे तो कीबोर्ड हार्ड ही चलेगा, क्योंकि वो कीबोर्ड साल भर धूल खा रहा होता है। आप कभी भी टेस्ट देने जाते हैं, जब CBT 1 CBT 2 आपने दिया होगा, तो आप सिर्फ माउस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर कीबोर्ड का कोई यूज़ करता ही नहीं है। कुछ कुछ बच्चे पासवर्ड भरने में यूज़ कर भी लेते हैं, बाकी वहाँ कोई कीबोर्ड का यूज़ नहीं करता है। कुछ लोग माउस से ही पासवर्ड भी भरते हैं। तो वहाँ के कीबोर्ड जो है वो हार्ड चलते हैं, ऐसा हमेशा होता है। मैंने CHSL की टाइपिंग दी तब भी ऐसा था, मैंने GDC में टाइपिंग दी तब भी ऐसा था, और मैंने फिर से टाइपिंग दी फिर से मेरा कीबोर्ड हार्ड ही था। बल्कि मेरे शिफ्ट जो था, मेरा जो लैब था उसमें क्या था, उसमें जो लेफ्ट साइड का शिफ्ट का बटन था वो भी छोटा दे रखा था, उसके बगल में एक एक्स्ट्रा बटन यूज़ डाल रखा था। उसकी वजह से भी बच्चों की गलती होती, जो थोड़ी सी फिंगर ले जाते थे उनका जो शिफ्ट की जगह वो बटन दब जाता था, जो कि स्लैश करके शायद कुछ था। तो गलतियां हुई हैं, तो उसका देखिए समाधान नहीं हो सकता है। मैंने देखिए यहाँ पे पोल कराया टेलीग्राम पे और मैंने पूछा कि क्या एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। 50% से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा ना हो, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, क्योंकि पैसेज आसान था, ज़्यादातर बच्चे उसको अच्छा कर पाए हैं। थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के बच्चे तो अच्छा कर ही पाए हैं, क्योंकि मैंने सेकंड शिफ्ट में जैसे ही मैं एग्ज़ाम देके बाहर निकला मैंने बता दिया कि वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ पे रीटाइप हो पा रहा है, वहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैंने तुरंत बताया। और बच्चों को उससे फ़ायदा भी हुआ होगा, 5,000 साढ़े 5,000 बच्चों ने वो वीडियो देखा, उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के बच्चों को तो पता चल चुका था कि क्या करना है, लेकिन सेकंड शिफ्ट के बच्चों के साथ कुछ गलतियां हुई हैं। सेकंड शिफ्ट में एक प्रॉब्लम और है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 1449 की स्ट्रोक्स टाइप कर पाए हैं। उनको लग रहा है कि उनकी कॉपी का एवोल्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी बातें चल रही हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 1500 के स्ट्रोक टाइप करने थे। वहाँ लिखा है कि आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसको आपको पूरा टाइप करना था। अगर आपने वो जो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ था, अगर वो फुल स्टॉप लगाया है तो आपकी कॉपी का एवोल्यूशन होगा, आपकी कॉपी की जांच की जाएगी। अगर आपने 15 से कम मिस्टेक की होगी तो आप टाइपिंग क्वालिफाई भी कर जाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। तो इस बात से बिल्कुल चिंतित ना हो, इधर उधर रिसर्च ना करें, क्योंकि जो आपने कर दिया वो फाइनल है और जो आरआरबी करेगी वो फाइनल है। यूट्यूब वाले चाहे मैं कुछ भी बता नहीं सकता, लेकिन अगर सब आपकी होप तोड़ रहे हैं तो मैं आपको होप दे रहा हूं। और देखिएगा, ऐसा ही होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने 1499 1480 भी की स्ट्रोक टाइप किए लेकिन वो लास्ट वाला फुल स्टॉप लगाया है, लास्ट वर्ड तक आप पहुँचे थे, बेशक एक लाइन स्किप करके आए थे, तो आपका जो कॉपी है उसकी जाँच होगी, क्योंकि उन्होंने लिखा था पूरा पैसेज टाइप करना है और
आरआरबी 5% जो मिस्टेक होती है उसको इग्नोर कर देती है, और 5% होता है 1500 का 75 की स्ट्रोक्स, यानी 1425 की स्ट्रोक्स भी अगर आपने टाइप किए हैं तो आपकी कॉपी की जांच होगी, ये मेरी गारंटी है। तो उसकी आप चिंता नहीं करिए, अगर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो उस पर फोकस होइए, जो आपने कर दिया है वो आपकी किस्मत कैद हो गई है। और जो लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम दोबारा रिशेड्यूल कराया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ी खीर है। जितना आसान आपको लग रहा है कि ट्विटर कैंपेन से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सेटिस्फाई हैं उस एग्ज़ाम से। तो एग्ज़ाम क्यों, जब देखिए जब ज़्यादा, जैसे जब पहला रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी कि उसमें एक ही रोल नंबर बार बार रिपीटेड है, तो वो एग्ज़ाम वो रिज़ल्ट दोबारा वापस लिया गया, रिवाइज रिजल्ट आया, तो वहाँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेजॉरिटी बच्चे जो हैं उनको दिक्कत थी, यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे सेटिस्फाई हैं, उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम सही हुआ है, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट वालों को दोबारा से एग्ज़ाम देने को मिल ही गया है, बचे हैं सेकंड शिफ्ट वाले, उसमें भी काफ़ी बच्चों का अच्छा हुआ है, काफ़ी बच्चों का ख़राब हुआ है, जिनका ख़राब हुआ है वो तो चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि उनके साथ जो गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपकी स्पीड पहले से ही 25 थी तो आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम दोबारा हो, तो वो गलत बात है। जिस बच्चे को रियल में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसकी भी देखिए एक गलती तो उसकी भी मानी जाएगी कि उसने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, तो इसलिए आरआरबी आपको इंस्ट्रक्शन दिखाएगी और एग्ज़ाम रिशेड्यूल नहीं कराएगी। वो कहेगी कि जब आपको इंस्ट्रक्शन में कहा गया था कि आप रीटाइप करिए तो आपने रीटाइप क्यों नहीं किया। अब दिक्कत एक ये है कि जो जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया है, तो वो स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। तो देखिए ये किस्मत का खेल होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किसी का सीबीटी पहले पड़ता है, किसी का बाद में पड़ता है, उसमें तो एक दिन पड़ता नहीं है, तो उसमें तो हम नहीं कहते ना कि आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स, ये देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है वो ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है हर बार ये, क्योंकि आरआरबी ने इस बार बहुत अच्छे से मैनेज किया है तो सबका टाइपिंग टेस्ट एक दिन करा दिया, वरना हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन हो जाता है, काफ़ी दिन लगते हैं उसमें, किसी का पहले किसी का बाद में पड़ता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको ज़्यादा दिन मिल गए, उनकी किस्मत में था कि उनका टेक्निकल ग्लिच आया और उनको आपका ही फर्स्ट शिफ्ट में क्यों नहीं पड़ा, तो इस चीज़ को आप नहीं ले जा सकते कि आप, क्योंकि इसका राइट जो है वो आरआरबी के पास ही है, वो किसका एग्ज़ाम कब शेड्यूल करती है, और उसमें लिखा भी था कि अगर कोई गलती होगी तो आरआरबी दोबारा भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, जैसा कि आरआरबी कराएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अपना समय व्यर्थ ना करिए, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो उसके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हो रहे हैं, फर्स्ट फेज सेकंड फेज का शेड्यूल भी आ गया है, तो आप उसमें लगिए, और आप इस चक्कर में मत रहिए कि आपने 1499 की स्ट्रोक टाइप किए तो आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ये वादा मेरा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।